फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश डे 2M चैनल पे। एक लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है नेशनल स्कॉलरशिप की तरफ से। जैसे कि आप सबको पता है, नेशनल स्कॉलरशिप में फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो गया है फ्रेश कैंडिडेट के लिए। और उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर यह है कि यहाँ पे एक स्टेट की जो है मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ होता है अप्लाई करने का 2024-25 में वो जारी कर दी गई है, जिसमें कॉमर्स वर्ग के, साइंस वर्ग के, आर्ट्स वर्ग के उन छात्रों के यहाँ पे परसेंटेज और उनके जो मार्क्स है वो मार्क्स लिखे गए हैं। जिनके मार्क्स वो कंसिडर करेंगे उतने में वो छात्र जो है 2024-25 में फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, मतलब एक स्कीम के अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको एक न्यूज अपडेट दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे लेटेस्ट न्यूज आ रही है बिहार बोर्ड की तरफ से, ऐसा आपकी स्टेट की भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। जो भी आपके स्टेट है उन स्टेट में भी आपका जो CSS स्कीम, जानते होंगे आप सब, जानते होंगे CSS सेंटर सेक्शन स्कीम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जो है, उसमें क्या होता है कि फ्रेंड्स 12,000 रुपए करके आपको 3 साल तक आपको मिलेगा। साथ में PG जब करोगे पोस्ट ग्रेजुएशन तो आपको 20,000 करके 2 साल तक आपको टोटल 40,000 तक मिलेगा। ठीक है, और उसी के लिए यहाँ पे CSE स्कीम जो है क्लास 12 के बाद से एलिजिबल हो जाते हैं छात्र, उसी के लिए यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है यहाँ पे बिहार बोर्ड के द्वारा। ऐसा आपका अपने जो राजस्थान बोर्ड है या आपका पंजाब बोर्ड है या आपका हरियाणा बोर्ड, जो उस हिसाब से एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जारी की गई है, इसमें आपको बताऊंगा, अभी मैं अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताऊंगा कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो यहाँ पे देख सकते हो बिहार की तरफ से निकल के आ रही है 2024 में उत्तीर्ण छात्र जो है जिनको यहाँ पे छात्रवृत्ति का लाभ मिलेगा, उसमें से देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है जिनका यहाँ पे लिखा गया है, जिसकी सूची जारी कर दी गई है। इन ऑनलाइन आवेदन करना मालूम हो कि इंटरमीडिएट के 95% से 65% तक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं को शामिल किया गया। मतलब है कि 65% से लेकर 95% वाले छात्र जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। साथ में विज्ञान के छात्र, कला, वाणिज्य, संकाय के छात्र भी यहाँ पे होगा, जिसमें बताया गया कि जो जनरल वर्ग के जो स्टूडेंट्स में 375 मार्क्स से ज्यादा लाने वाले छात्र जो है यहाँ पे CSS के लिए एलिजिबल है। CSS स्कीम के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, CSS स्कीम क्या है वो बताऊंगा। ठीक है, और विज्ञान वर्ग जो साइंस वर्ग के छात्र छात्र हैं उनमें 378 मार्क्स का यहाँ पे एक कट ऑफ रखा गया है। अगर आपके कॉमर्स में 375 आ रहे हैं, साइंस में 378 है और आर्ट्स में आपका 372 है तो आप एलिजिबल हो, आपका जो नाम है CSS की मेरिट लिस्ट में नाम शामिल रहेगा कट ऑफ लिस्ट में, और उसके आधार पर आप जो है CSS का फॉर्म भर सकते हो और वहां पे क्या होता है कि आपको पैसा मिलेगा। और इसमें बोला भी गया है कि देखो 30 जुलाई तक करना है छात्र छात्रों को आवेदन, क्योंकि जो डेट जो आगे बढ़ती रहती है आप सबको पता है यहाँ पे, लेकिन मैं कहूंगा जल्द जल्द फॉर्म को अप्लाई कर दिया जिनका नाम यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है। तो अब 20,000 होगी छात्रवृत्ति की राशि, बोला छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी गई, पिछले साल 10,000 रुपए मिलते थे, इस बार 20,000 राशि दी जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है कि पिछले बार यहाँ पे 12,000 करके इससे पहले 10,000 मिलता था, हो सकता है 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति मिले, बहुत अच्छी बात है यहाँ पे। लेकिन ये है कि बिहार बोर्ड की तरफ से कट ऑफ लिस्ट जारी की गई CSS का, जो बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पे बताऊंगा फॉर्म अप्लाई कैसे करोगे, तो सिंपली आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे अपना फॉर्म खोलोगे ना फ्रेंड्स, अपना OTR आपका OTR नंबर और पासवर्ड से करने के बाद आपको यहाँ पे आपको